नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिसोदिया और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे मेंस ड्रेसिंग स्टाइल्स के बारे में, जो कि होगा बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम बजट के अंदर। हमने आपकी जेब का पूरा ख्याल रखा है इसलिए, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कुछ खरीदने ऐसे बेसिक कलर्स जो ऑलमोस्ट सब एक दूसरे के साथ चल जाते हैं, और लगभग 20 से ज़्यादा आउटफिट्स उसमें आपके तैयार हो जाएंगे, जो आपके सभी तरह के ओकेशंस यानी कि आपके फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और कैजुअल, इस टाइप के सभी जगह आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैंट्स के बारे में, और पैंट्स में जो सबसे बेसिक चार कलर होने चाहिए आपके पास, जो होने ही चाहिए वो ये हैं। एक आपके पास होनी चाहिए ब्लैक कलर की कॉटन की पैंट, एक आपके पास ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट, एक वाइट जींस या वाइट कॉटन पैंट्स, और एक नेवी ब्लू कलर की आपके पास जींस जरूर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे टी शर्ट्स के बारे में। तो टी शर्ट्स भी आपके पास सिर्फ चार कलर की बहुत हैं। ये चार कलर्स भी आपके न्यूट्रल कलर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले होनी चाहिए आपके पास एक वाइट कलर की टी शर्ट, उसके बाद होनी चाहिए आपके पास एक ब्लैक कलर की टी शर्ट, और आजकल जो ट्रेंडी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा वो है आपका एक मैरून कलर का टी शर्ट, और एक और चौथा टी शर्ट होना चाहिए आपके पास, वो है ये नेवी ब्लू कलर का टी शर्ट। अब आप सोचेंगे कि इसको हैंगर में क्यों लिया है, क्योंकि ये थोड़ी महंगी है इसलिए। नंबर थ्री हम बात करेंगे शर्ट्स के बारे में। तो शर्ट्स आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए एक बेसिक यानी कि वाइट शर्ट, एक आपके पास होनी चाहिए इस तरह की ब्लैक शर्ट, और एक आपके पास होनी चाहिए स्काई ब्लू कलर की शर्ट, जो कि आपके फॉर्मल ओकेशंस वगैरह पे बहुत अच्छी लगती है। एंड फोर्थ वन आपके पास जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, वो है एक लाइट पिंक कलर की शर्ट। लड़की नहीं लगोगे यार, बहुत अच्छी लगती है, आजकल चल रही है ट्रेंड में। तो एक लाइट पिंक कलर की शर्ट, एंड ये थोड़ा सा हमारा बोनस है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी, अगर ना हो तो एक नेवी ब्लू कलर की शर्ट भी आपके अलमीरा के अंदर होनी चाहिए। नंबर फोर हम बात करेंगे हमारे ड्रेस को पूरा कंप्लीट करने वाली चीज़, यानी कि हमारे सबसे ज़रूरी शूज़ के बारे में। तो शूज़ में भी आपके पास सिर्फ चार शूज़ होने चाहिए, जो कि आपके सारी ड्रेसेस पे चल जाएंगे। उसमें है दो स्नीकर्स आपके, एक होना चाहिए वाइट कलर का, एक होना चाहिए ब्लैक कलर का, और दो आपके पास होने चाहिए लेदर शूज़, एक होगा आपके पास ब्लैक कलर का फॉर्मल शूज़, और दूसरा होगा आपके पास ब्राउन कलर का सेमी फॉर्मल शूज़। सबसे पहले हम बात करेंगे नेवी ब्लू कलर की जींस के साथ आप क्या क्या आउटफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक पहनी नेवी ब्लू कलर की जींस, उसके साथ आप पहन सकते हैं एक वाइट कलर की टी शर्ट विद वाइट स्नीकर, और उसी पे आप टी शर्ट को रिमूव कीजिए और उसके ऊपर पहन लीजिए एक वाइट कलर की शर्ट, तो वो भी आपका एक कैजुअल आउटफिट बन गया। एंड अगर आप इसी लुक को थोड़ा सा सेमी फॉर्मल बनाना चाहते हैं, तो आप वाइट शर्ट को करिएगा टक इन, और नीचे पहनिएगा एक ब्राउन कलर के सेमी फॉर्मल शूज़ एक ब्राउन कलर की बेल्ट के साथ, जो आपका सेमी फॉर्मल लुक कर देगा बिल्कुल कंप्लीट। नेवी ब्लू जींस के साथ आप पेयर कर सकते हैं एक ब्लैक कलर की टी शर्ट विद ब्लैक स्नीकर, और उसी के साथ आप पहन सकते हैं एक ब्लैक कलर की शर्ट और विद ब्लैक स्नीकर, और उसके बाद आप पहनेंगे तीसरा यानी कि आपका एक मरून कलर का टी शर्ट, जो कि आजकल ट्रेंड में बहुत अच्छा लगता है, विद ब्लैक स्नीकर। और फोर्थ हम बात करेंगे आपकी ब्लू टी शर्ट विद ब्लू जींस विद व्हाइट स्नीकर, ये बन जाएगा आपका कंप्लीट आउटफिट। अब हम बात करेंगे आपकी सेकंड पैंट, जो कि है ब्लैक कलर की चीनो। ये चीनो पैंट के साथ आप बना सकते हैं बहुत सारे अलग अलग स्टाइल। तो इसमें सबसे पहले आप पहनेंगे एक ब्लैक कलर की चीनो के साथ एक ब्लैक कलर की टी शर्ट विद व्हाइट स्नीकर, और इसी के ऊपर आप टी शर्ट हटा के ब्लैक पहनेंगे व्हाइट टी शर्ट विद व्हाइट स्नीकर, और उसके बाद आप एक नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट पहनेंगे इसके ऊपर, नीचे रखेंगे ब्लैक कलर के स्नीकर, और फिर इसी के ऊपर आप पहनेंगे अपनी मरून कलर की टी शर्ट विद ब्लैक स्नीकर। और अब बात करते हैं शर्ट्स की, इसी के साथ आप मैच करके अपनी कैजुअल और सेमी फॉर्मल भी बना सकते हैं इस पैंट के साथ अपनी ड्रेसेस को। तो पहले हम बात करेंगे कैजुअल की, आप इसके साथ पहन सकते हैं एक ब्लैक कलर की शर्ट विद व्हाइट स्नीकर, और फिर आप अपनी ब्लैक कलर की शर्ट हटा के पहन सकते हैं इसके साथ एक व्हाइट कलर की शर्ट विद व्हाइट स्नीकर, और इसी के साथ आप पहन सकते हैं एक डार्क ब्लू कलर की शर्ट विद ब्लैक स्नीकर। एक चीज़ ज़रूर याद रख
रखिएगा दोस्तों कि जब भी मैं कैजुअल आउटफिट की आपसे बात करता हूँ शर्ट्स के साथ, तो उसमें हमेशा आपकी शर्ट जो है वो अनटक होनी चाहिए, आप उसे टक इन ना करें। अब बारी है हमारी नंबर 3 पैंट की, जो कि है हमारी एक ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट। ब्लैक कलर फॉर्मल पैंट के साथ आपको दो गोल्डन रूल हमेशा कैरी करने चाहिए, वो है एक तो आपको हमेशा अपनी शर्ट जो है वो टक इन रखनी चाहिए, यानी कि अंदर रखनी चाहिए, एंड सेकेंड आपको आपके शूज और आपकी बेल्ट हमेशा सेम कलर की पहननी चाहिए। ब्लैक फॉर्मल पैंट के साथ आप पेयर कर सकते हैं एक वाइट कलर की फॉर्मल शर्ट विद ब्लैक शूज, और इसी के साथ आप एक पहन सकते हैं ब्लैक कलर की शर्ट विद ब्लैक फॉर्मल शूज, और थर्ड आपका होना चाहिए इसके साथ एक स्काई ब्लू का शर्ट विद ब्लैक शूज, और फोर्थ जो कि बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है वो है एक लाइट पिंक कलर की शर्ट के साथ ब्राउन कलर के फॉर्मल शूज, जो कि आपकी फॉर्मल आउटफिट को करेंगे बिल्कुल कंप्लीट। नंबर 4 पैंट है हमारी एक वाइट कलर की कॉटन पैंट, इसके साथ हम सेमी फॉर्मल अपना जो लुक है उसको करेंगे कंप्लीट। इसके लिए आपको पहनना होगा एक नीचे ब्राउन कलर का सेमी फॉर्मल शूज विद ब्राउन बेल्ट, और इसके साथ आप जो सबसे पहली जो शर्ट पहन सकते हैं वो है एक लाइट ब्लू कलर की शर्ट, एंड सेकेंड आप इसके साथ पहन सकते हैं एक लाइट पिंक कलर की शर्ट जो कि बहुत ही प्यारी लगती है, और तीसरी आप इसके साथ पहन सकते हैं डार्क ब्लू कलर की शर्ट। और इसी लुक को अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, यानी कि इसको बनाना चाहते हैं कैजुअल, तो आपको अपनी बेल्ट निकालनी है एक साइड और शूज करने हैं चेंज। आप इसी आउटफिट के नीचे पहनिएगा एक वाइट कलर के स्नीकर और अपनी शर्ट्स को करिएगा अनटक, यानी कि पैंट से बाहर, और ये आपकी बन जाएगी एक कैजुअल और बहुत ही कूल और स्टाइलिश कैजुअल ड्रेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिर्फ एक लाल कलर का बटन है, उसे नीचे से दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।